हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें आज की इसमें क्लास में डाउट देखिए 5.1 एक्सरसाइज के, ठीक है। तो सिक्स डाउट है वो देखिए, क्वेश्चन सिक्स। यहाँ भी ये हुआ है कि 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यहाँ पर देखो रूट्स हमें दिए हुए हैं, रूट्स आर 2/3 एंड -3, ठीक है। इसमें हमें इक्वेशन दिए, सॉरी 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। हमें p और q फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो बस तक के देखते हैं, ठीक है। इसको वन नेम दे देते हैं, पुट x इक्वल टू, ठीक है। ये इसका है, इसके रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ये भी इसका रूट है, ये भी इसका रूट है, ठीक है। सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इसको रख के देखेंगे x की जगह पर। यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वन में पुट इन वन होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू इक्वल टू 0, तो जो जाएगा 4/9 पी प्लस 14 सी, ठीक है, एंड क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया, इसको आप अब देखिए, जब इसमें वैल्यू करके कुछ ऐसा पी और क्यू भी फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, ऐसे ही जब आप ये रखोगे तो ऐसे एक और आएगी पी और क्यू फॉर्म में दूसरी इक्वेशन। तो देखिए पी और क्यू में हमारे पास दो इक्वेशन है, और देखो टू वेरिएबल की इक्वेशन है, इन द वेरिएबल पी एंड क्यू, और एक दूसरी और आएगी, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम यही करेंगे इसको इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, 4/9 प्लस क्यू इक्वल टू -14/3, इसको टू नेम देते, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद पुट एक्स इक्वल टू -3 इन वन अगेन, इसी में रख देते, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर बनेगा ये पी -3 होल स्क्वायर प्लस 7-3 क्यू इक्वल टू 0, 90-21 प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस क्यू इक्वल टू 21, 90 प्लस क्यू इक्वल टू 21, इसको नहीं देते हैं 3। देखो एक इक्वेशन आएगी 90 प्लस क्यू इक्वल टू 21, एक ही एक क्वेश्चन आ गई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, टू वेरिएबल, जो कि हमने 9 क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा था, अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई मेथड लगाओ, ठीक है। अब यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं वो इक्वेशन अब लिख देता हूँ, यहाँ पर 4/9 प्लस देखो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा, तो ठीक है, तो हम उसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये क्या होगा, देखो 90-4/9, तो 90-4/9 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 21 प्लस, जो मैं माइनस कर रही हूँ प्लस हो जाएगा 14/3, यहाँ पर आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 9-51-4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 14/3, यह भी एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते, ये तो हो जाएगा, तो नीचे आ नहीं जाऊंगा, चलो मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ देख लो। अच्छा कुछ नोट करना हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 77p/9 इक्वल टू 77/3, ठीक है। अभी देखिए P इक्वल टू 77/3, यहाँ 9 इधर आ जाएगा, 77 इधर आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, 3 से जाएगा, P की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, या तो इसमें रख दो या फिर ये जो इक्वेशन थी 3 इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P इक्वल टू 3 में रख देते हैं, इन यहाँ आ जाएगा 9, P की जगह रख रहे हैं 3, और ये हो जाएगा Q इक्वल टू 21, ठीक है।
क्यू इक्वल टू 20, ये क्या हो जाएगा इधर प्लस 27, ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ 27 इधर जाएगा क्यू इक्वल टू इक्वल टू 21 माइनस 27, ठीक है तो कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 6, ठीक है तो दीज आर टू, ठीक है ये तो था ये वाला क्वेश्चन लास्ट, एक ही डाउट था और कोई डाउट था नहीं आपका, ठीक है बाकी स्टिल मैं एक दो और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी में, दो एग्जाम्पल ही मैं चलो बता देता हूँ, सिक्स एग्जाम्पल देखो इसमें सिक्स में देखो क्या दिया एग्जाम्पल सिक्स पेज 16, सिक्स एग्जाम्पल है यार देखो क्या कहा गया है कि वन इज अ रूट ऑफ द बोथ ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है दो इक्वेशंस है ये देखो दोनों इक्वेशन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दी हुई है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको वन हम दे देते हैं, एक दूसरी क्वालिटी की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है तो ये टू है, यहाँ पर क्या बोला है कि वन इज अ रूट ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों का रूट है, वन क्या है दोनों का है, इसका भी है इसका भी, इसको भी सेटिस्फाई दोनों को सेटिस्फाई करे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो ए इज माई इन्वॉल्व है यस बी इज माई इन्वॉल्व है, ठीक है तो हम क्या करते हैं देखो वाई की जगह जब रख देंगे तो ए की फॉर्म में तो आएगी पूरी इक्वेशन बचेगी अगर बाकी सब नंबर होंगे वहां से ये आ जाएगा, ठीक है जब हम रखेंगे रूट वन यहाँ पर वाई की जगह जब रख देंगे क्योंकि वन को रख देंगे तो यहाँ से बी की फॉर्म में बी की वैल्यू ए और बी दोनों अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आ जाएगी, फिर ए भी निकालना है मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा, ठीक है तो देखिए वन या ऐसे एक्स इक्वल टू वन इज रूट ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन वन का रूट है उसको सेटिस्फाई करेंगे, देयरफॉर हमें क्या कर सकते हैं वन यहाँ वन रखेंगे प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू ए इक्वल टू माइनस थ्री ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है तो ए की वैल्यू आ गई, ऐसे एक्स इक्वल टू वन इज ऑल्सो रूट ऑफ टू का भी रूट है, ठीक है यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा वन की जगह रख दो वाई की जगह रख दो इसको, ठीक है जरूरत नहीं बैठी लगा जीरो, तो ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन, फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड ई बी, ए बी क्या आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू मल्टीप्लाई माइनस वन, दैट मीन्स थ्री बाई टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है कुछ हमें क्या गड़बड़ती है हाँ यहाँ गड़बड़ है हमने ऐड नहीं किया टू वन प्लस वन टू हो गया बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू यहाँ, ठीक है तो यहाँ रखेंगे माइनस टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर इज थ्री, थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है यस देखिए एग्जाम्पल सेवन में क्या दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एक्स प्लस टू एन इक्वल टू जीरो, ठीक है ये इसके रूट्स दिए हुए हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट आएगा, ठीक है तो इसमें क्या करना है वही काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में था एक्सरसाइज के, तो यहाँ पर x इक्वल टू टू इज रूट ऑफ वन, इसको वन ले दे इन वन तो सब्सिट्यूट करिए इसमें टू एम टू प्लस टू एन इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा फोर यानी कि ट्वेल्व, ठीक है माइनस फोर एम प्लस टू एन इक्वल टू जीरो, ठीक है यहाँ पर ये क्या होगा देखो माइनस फोर एम प्लस टू एन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू, ठीक है ऐसे ही यहाँ पर ये भी रूट है इसका तो पुट एक्स इक्वल टू थ्री या ऐसे लिख दो एक्स इक्वल टू थ्री इज रूट ऑफ इक्वेशन वन, तो ये सेटिस्फाई भी करेगा लेकिन रूट है तो थ्री स्क्वायर टू एम एक्स थ्री प्लस टू एन इक्वल टू जीरो, ठीक है तो ये हो जाएगा नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स एम प्लस टू एन इक्वल टू
जीरो, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या बना जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगी एम और एम, एम और एल में, तो ये हो जाएगा माइनस 27, ठीक है। ओके नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 2n है, तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि है माइनस 4n प्लस 2n इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो 2n कैंसिल करना है, 2n सेम है, ठीक है, तो इसलिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा तो ये आ जाएगा माइनस 2n, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये कितना आएगा देखो 5 और 1 माइनस का, तो एनर्जी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी माइनस 15 माइनस 2 यानी कि 15 बाई ये तो एनर्जी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एनर्जी वैल्यू किस में बदलेगी, इसमें चाहे इक्वेशन 3 है, ठीक है, और एन इक्वल टू 15 बाई 2 इन 2, दो में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 बाई 2 2n इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, यहाँ से माइनस 2 यानी कि माइनस 30 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 12, तो 2n इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 18, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ से आ गई 18 बाई 2, दैट मीन्स 9, ठीक है, n इक्वल टू 9 इज द आंसर, ठीक है। तो m और 9 हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन थे इसमें बस, ठीक है, बाकी फिर आगे जो डाउट्स था, ठीक है, ओके।